तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए एक और शानदार सी वीडियो हमारे चैनल सौभाग्य जिंदल टेक्स पे। और यहाँ पर एक बहुत ही लेटेस्ट सी न्यूज़ थी, तो मैं उसको अपने घर से शूट कर रहा हूँ नाइट के समय पे, सिर्फ आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अपना एक BGMI अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा था, जो कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो कि पबजी की फर्स्ट कॉपी गेम इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च की गई थी बैन होने के बाद पबजी के। लेकिन एट प्रेजेंट में वो प्ले स्टोर पे हमको BGMI मतलब कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया देखने को नहीं मिलता। आप जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में, अगर आप प्ले स्टोर पे जाके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सर्च करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक iOS फ़ोन पे ऐप स्टोर में जाकर ट्राई करेंगे तो अभी तक अवेलेबल है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बाद में उससे भी हट सकता है, कोई भरोसा नहीं है। फ्री फायर जब बैन हुआ था तो वो भी पहले प्ले स्टोर से हटा दिया गया था बिना किसी नोटिस से, उसके बाद उसको बैन की न्यूज़ बाहर निकाली गई थी। तो हो सकता है BGMI के साथ भी कुछ ऐसा हो। इसका रीज़न क्या हो सकता है, बेसिकली 2-3 वीक से अभी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं। एक जगह एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया है, एक बच्चे ने खुद सुसाइड कर लिया, और भी कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस कई सारे बच्चों ने किए हुए हैं। तो इस गेम को एक देख सकते हैं हम कंट्री के एक लॉस की तरफ से। बहुत सारे लोग इसका विरोध में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट तक भी ये बात पहुंच गई, न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है इसकी वजह से इसको कुछ लॉस हो BGMI प्लेयर्स के लिए। थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अच्छी तरह से अर्निंग भी कर रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, बहुत फाइनेंशियल प्रॉफिट भी लोग लेते हैं। जो लॉस करते हैं उनके वजह से इतने सारे लोगों का यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कोई भी गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक ना ही BGMI की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आया है एंड ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी बताया है इस बारे में। तो हो सकता है कि फाइनल चीज़ ना हो, हो सकता है कि हमारा BGMI वापस आ जाए। एंड iOS में तो अभी तक अवेलेबल है, और जिन लोग के पास पहले से इंस्टॉल्ड है वो अभी तक इस गेम को खेल सकते हैं, लेकिन अगर नए फ़ोन में या नया प्लेयर को इंस्टॉल करना चाहेगा तो वो अवेलेबल नहीं है। ये छोटी सी न्यूज़ आपको देने के लिए मैं रात को इस वीडियो को बना रहा हूँ, और जितने जल्दी हो सके अपलोड भी कर रहा हूँ मैं इस चैनल पे। तो और इसके बारे में जैसी अपडेट आएगी वो भी मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा, या वापस आ जाएगा तो एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।